आप अपने किसी भी एंड्रॉयड स्मार्टफोन में ला सकते हैं आईफोन जैसी लुक। आप कोई भी कैसा भी एंड्रॉयड स्मार्टफोन क्यों ना यूज़ करते हो, किसी भी एंड्रॉयड स्मार्टफोन में आप आईफोन की तरह उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सब कुछ आप कैसे कर सकते हैं और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आप देखिए ये पूरा वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निपुण चौधरी और स्वागत है आपका मेरे चैनल क्रिटिक निपुण में। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मैंने अपने मोटो के फ़ोन में आईफोन की थीम डाली हुई है और इसमें आप नोटिफिकेशन देख पा रहे हैं जैसे कि आईफोन 8X किसी में भी आता है। और इसका जो आप सब कुछ आप देख रहे हैं बैकग्राउंड में भी और ऊपर जो आइकॉन्स हैं वो भी बिल्कुल आईफोन की लुक मिल गई हैं और कुछ कुछ जो आइकॉन्स हैं वो भी आईफोन की तरह ही हैं। और साथ ही आप देख पा रहे हैं ये नॉच, एक्चुअल में ये जो नॉच दिया हुआ है ये एक तरीके का वॉलपेपर है। और साथ ही आप अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें कैमरा के जैसा जो इमेज है वो भी आपको नज़र आ रही है। और साइड में जो आप देख पा रहे हैं बैटरी परसेंटेज, LTE, सिग्नल बार, लोकेशन और डेट वो हूबहू आईफोन के जैसी है। और सबसे जो ख़ास बात है ये है तो आईफोन के जैसा पर चलाने में बहुत स्मूथ है, कहीं से कोई हैंगिंग इशू वगैरह कुछ भी नहीं है इसमें। तो दोस्तों अभी इसमें दिखाता हूँ दूसरा फीचर जिसमें कि आपको लगे कि हाँ ये आईफोन के जैसा है। और ये देखिए नोटिफिकेशन पैनल, 3D टच का जो सपोर्ट आईफोन 8 में था वैसा ही 3D टच का सपोर्ट इसमें है। वॉल्यूम का भी इसमें सपोर्ट है पूरा और आप म्यूज़िक प्ले बन कर ऑन ऑफ करके वॉल्यूम को भी आप इसमें एडजस्ट कर सकते हैं इसमें। और ये रहे बहुत सारी जो छोटे छोटे जो नोटिफिकेशंस हैं वो भी इसमें आपको मिलेंगी, जैसे फ्लाइट मोड, लोकेशन, ब्लूटूथ, वाईफाई, रोटेशन, ये जो ब्राइटनेस एडजस्टर, ये हॉटस्पॉट, टॉर्च, कैमरा, होम, मतलब कि ये जो फीचर्स जो आपको नॉर्मली जो आईफोन्स में हैं वो सभी फीचर्स आपको मिल जाएंगे। तो अभी हम बात करते हैं कि ये वर्क कैसे करता है। जैसे कि आप ध्यान से देख पा रहे हैं कि एक एप्लीकेशन जो सबसे ऊपर अभी देखी थी आपने आईफोन एक्स सेटिंग, आईफोन एक्स की सेटिंग तो है पर ये आपको मिलेगी कैसे वो अभी मैं आपको बताऊंगा। बिल्कुल सिंपल सा है, जैसे कि आप देख पा, जैसे जो आपके पास जो एंड्रॉयड फ़ोन है उसमें आप प्ले स्टोर में जाइए, जैसे कि इसमें साइन तो वैसे एप्पल स्टोर का बना हुआ है पर खुलेगा आपका प्ले स्टोर ही, उसमें आप इसमें टाइप करेंगे आईफोन लॉन्चर, जैसे कि मैंने टाइप किया। जैसे कि इसमें तो बहुत सारे लॉन्चर्स हैं, जो फर्स्ट जो मैंने इंस्टॉल किया है वो मुझे काफ़ी हद तक अच्छा लगा, सही भी लगा। तो आप इसको इंस्टॉल कर लीजिए, बस और कुछ नहीं करना है। ये जो नाम है आईफोन एक्स लॉन्चर OS 11, ये जो लॉन्चर है ये लॉन्चर मतलब कि और भी जितने लॉन्चर्स हैं उससे काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बढ़िया है, स्मूथ है। मैंने इसको पूरा दिन इसमें इसको लगा के रखा तो कोई हैंगिंग इशू वगैरह कुछ भी नहीं हुआ। तो ये लॉन्चर काफ़ी ठीक है, काफ़ी हद तक ठीक है। हाँ, एक सेटिस्फाई करने वाली बात है कि हाँ भाई, हाँ मेरे पास भी अब आईफोन तो नहीं, आईफोन के लुक और आईफोन के जैसा दिखने वाला मेरे पास भी एक स्मार्टफोन है। तो चलने में तो ये स्मूथ है, लगभग आपको ऑलमोस्ट आपको आईफोन की तरह दिखेगा। और ख़ास ही सबसे हैरानी की बात है जो वॉलपेपर जो दिया है उसमें नॉच का डिज़ाइन है जो कि बहुत ही क्या बताऊँ, जो मतलब कि क्रिएटिविटी लेवल तो देखिए बनाने वाले का कि इसमें नॉच का भी आपको सपोर्ट मिला है इस थीम में। और इस थीम को आप इसको सेलेक्ट करिए, इस्तेमाल करिए, थोड़ा अच्छा लगेगा। और जैसे कि मैं आपको सच्चे दिल से बताऊं ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, ये तो एक छोटा सा मतलब टेम्परेरी सेटिस्फेक्शन है अपने लिए कि हाँ भाई, हाँ इतना महंगा तो फ़ोन ख़रीद नहीं सकते तो चलो ठीक है, इसकी कोई थीम ही क्यों ना हो जाए। तो दोस्तों ये जो शॉर्ट टर्म है इसमें इतना भी कुछ खास नहीं है, बस हाँ
एक दो घंटे के लिए आपने देखा, यूज़ किया और बाद में अनइंस्टॉल कर लीजिए। मार्केट में और भी लॉन्चर्स हैं, आप उन लॉन्चर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं अपने फ़ोन के लिए। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और सबसे मेन बात, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।